तेरा क्या हाल हुआ बड़ा आज का? बाहर निकाल दे, मतलब डायरेक्ट सीधा पानी जाओगा, अभी हीट नहीं होने का। हाँ अटका पड़ा दी भाई साहब, ये निकला, ये सिर्फ मटेरियल इस पाइप पाइप का है, उसके अंदर पता नहीं और कितना होगा। एक बाल है। अच्छा, वो बाल निकालने देता हूँ। हाँ निकाल दो भाई को। नमस्कार, राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल जी। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, और जो आज की वीडियो है वो जो किसान भाई है उनके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, वीडियो पूरी देखे लास्ट तक, आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई रेडिएटर भी कितना ज़रूरी हो ट्रैक्टर के लिए। वैसे तो सबको ही पता है, पर रेडिएटर की सफाई कितनी ज़रूरी है। हर दो साल, एक साल में भी करवा सकेगा, जैसा अपना मतलब काम है ना। मानने के बाद हमें लग रहा कि भाई हमारा ट्रैक्टर धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा चल रहा, भुस्से में चल रहा, तो उसे तो भाई कम से कम साल, डेढ़ साल, दो साल में अपने रेडिएटर की सफाई करवा देनी चाहिए। खुलवा कर करवा दो, बाकी अगर ना भी खुलवा रहे ना, तो जब उसका कूलेंट बदले हम, तो कूलेंट जहाँ से नीचे से निकाल लें तो वहाँ से हमें पता पड़ जाएगी मतलब कि भाई हमारा रेडिएटर सही है या कुछ इसमें दिक्कत है। उसमें कुछ माने मिट्टी तो नहीं आ रही, अंदर कुछ जम तो नहीं रहा, पानी की सप्लाई ठीक हो रही नहीं, ऊपर से पाइप चला दो, उसके अंदर से पूरा क्लीन कर दो। तो पूरी वीडियो देखियो लास्ट तक, पता लग जाएगा कि हाँ भाई रेडिएटर की हालत कितनी ख़राब थी, और ट्रैक्टर किसान का सीज होने से बच गया, बल्कि सीज हो ही गया था, वो तो किस्मत अच्छी कि हाँ भाई बच गया, बस उसे सीज ही समझो एक तरीके से। तो पूरे मतलब एक कूलेंट की वजह से यूँ मान लो कि जो किसान है जो चला रहा उसकी जान को भी खतरा है। मान लो आपका ट्रैक्टर पूरा गर्म हो गया, और आपने देखा कि भाई हमारे ट्रैक्टर में कूलेंट ख़त्म हो गया, जबकि उसमें कूलेंट है, वो गर्म इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें कूलेंट इंजन पर नहीं जा पा रहा, मतलब सप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो इंजन गर्म हो जाएगा। तो किसान क्या करेगा, उसे खोल देगा एकदम से, और ऊपर से ढक्कन खोल लगा, जैसे ही खोल लगा तो कूलेंट एकदम से गर्म रहेगा, फुल प्रेशर से बाहर की साइड निकलेगा प्रेशर बनाकर। ये करना गलत है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो उसके ऊपर हाथ लगाकर तब आप उसका ढक्कन खोल लो, हाथ का मतलब एक पन्नी लगा लो या कपड़ा लगा लो तब, लेकिन वो गर्म रहे। आप ट्रैक्टर को छोड़ दो जब तक ठंडा ना होता, तब तक आप उसे छेड़ो ना, जो भाई मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी वीडियो पूरी देखो, फिर लास्ट में कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, ट्रैक्टर ने कूलेंट ने और क्या बोलते हैं कूलेंट ने रेडिएटर ने ट्रैक्टर की ऐसी हालत बना दी। आप देख कर मतलब अचंभे में पड़ जाओगे, सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आप वीडियो देखो, और वीडियो में आपका फीडबैक जरूर देना, और कमेंट मतलब फीडबैक में कमेंट जरूर लिखना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। डालते हो है उधर? हाँ मील, माल बहुत मील है, हरिद्वार में बहुत मील है। मुजफ्फरनगर में तो है, मुजफ्फरनगर में भी, हरिद्वार में भी है। एक डोई वाला मील है, सबसे बड़ा मील माना जाओ, डोई वाला है उधर। उसका बम्पर खोल ले भाई, हालत देखो कैसी होगी। ऐसे इंजन सीज हो जाए नहीं, जब पूरा कोई बात नहीं है। हाँ ओ तेरा क्या हाल हुआ बड़ा आज का। ये ड्राइवर ना खोल दिया, मैंने सोचा पानी खत्म होगा, उसका मुंह बच गया, नहीं तो बहुत तकड़ा प्रेशर मार रहा है, गर्म हो रहा होगा, इतना नहीं है। फिर उसने पानी डाला इसमें, देखना है कि ऐसा है। हाँ जी, कहाँ ये लोड पे चले? हाँ ट्राली पे। उसमें जो है एक बाल है। अच्छा, वो बाल निकाल देता हूँ। हाँ निकाल दो, ठीक है। नहीं हाँ, अगर ट्रैक्टर सही चलता है आपका हाँ तो ठीक है, नहीं फिर रेट खुल के नहीं है, साफ होगा ये। हाँ हाँ वही मैं सोच रहा था, इसका बाल पहले है मैन। चलो कोई नहीं, काट दो। हाँ हाँ तो उसकी बाल बूल काट दे, ठीक है। देखो क्या हालत हुई पड़ी भाई ट्रैक्टर की, बच गया बस इसका इंजन, नहीं तो मामला गड़बड़ हो गया था। फिर तो नहीं तो सफाई होगी, बाद में देख लेंगे चला के। भाई ये पाइप उतार दिया यहाँ से, क्लिंप उतार दी, बाहर निकाल लेंगे, चोट मार गया। भाई पूरा गर्म हुआ पड़ा, क्या ये पानी को सप्लाई नहीं करने दे रहा है। अच्छा ये है, अब यही बाहर निकाल दो, अब डायरेक्ट जाओगा? डायरेक्ट सही है। वैसे इसका काम फिल्टर का होता होगा शायद? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बस खाली ये थोड़ा टेम्परेचर लेने के लिए होता है। अच्छा अच्छा
ऐसे तो सही चलना चाहिए, सही चलेगा अगर थोड़ा बहुत। अब पहली बात तो हीट होगा ही नहीं है। हाँ सही है, ये चीज़ें निकाल दी। क्या बोल रहे थे, वाल वाल बोलते हैं, ये वाल निकाल दी, मतलब डायरेक्ट सीधा पानी जाओगा, अभी हीट नहीं होने का। हाँ ये रोक रहा है, इसमें जब अंदर जाने का नहीं तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, के साथ सफाई हो जाएगी बस, फिर टेंशन फ्री। फिर एक बारी में ही रोक कट जाएगा, सफाई हो जाएगी। अच्छा जैसा ट्रैक्टर गर्म रहेगा एकदम से खुल लेना है तो मुंह पर गिर जाए तो जलने का खतरा रहेगा। तो ये चीज़ें भाई ध्यान रखनी चाहिए, जितने भाई किसान भाई है ड्राइवर क्या हो जाए, हमें डर डर में देखो पानी ख़त्म हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो सीधा इसी खोल लेगा, इसमें पानी डाल दूंगा, और जब इसे खोल लगा ना फिर सीधा सा ये प्रेशर मारेगा ऊपर की साइड को, जैसे उबल रहा हो पानी और मुँह पर गिरने का खतरा है, और मुँह पर डल गया अगर तो फिर ये समझ लो हो गया काम। तो यहाँ अगर इसे खोल रहे पहले तो ठंडा हो जाओ तो तब खोल लो, नहीं तो भाई यहाँ कुछ लगा लो। अरे वाह, अभी सब पानी डालोगे तो पता लग जाएगा सफाई। गंदगी तो मार रहा है ना, बंद पड़ा है ये तो, बंद है, बंद पड़ा है। हाँ ऊपर से डालियो पानी पता लग जाएगा, ये देख बंद पड़ा है ये तो। हाँ ये गंदगी निकल ली, वही तो कह रहा हूँ, जाम हुआ पड़ा है, जाम है। वही तो कह रहा था मगर एक बार देख लो, शुरू में जंग लगती है इसमें। हाँ देख तुम मैं शुरू, एक बार सफाई होनी जरूरी है शुरू की, कोई ध्यान नहीं रखता चीज पे, चलाओ जा जब तक चल रहा है। आज जब परेशानी हो जब तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है। हाँ वही बात है सारी भाई, आप सही हो। हाँ फिर भी सर्विस तीसरी चौथी सर्विस पर करवा देना चाहिए सर, देखो ये फंस रहा है इसमें मटेरियल। हाँ ये अंदर कराई दो, हाँ अच्छा पड़ा दी भाई साहब, कितना माल निकलना, रेडिएटर खुला रहा भाई, रेडिएटर खुल देता, ये निकला, ये सिर्फ मटेरियल इस पाइप पाइप का है, उसके अंदर पता नहीं और कितना होगा, रेडिएटर की अब सफाई होगी तब पता पड़ेगा। मैं बताऊंगा। हाँ जी ये वाल है, वाल जो है नीचे के नीचे ही इसको सेटिंग कर रहा है। अगर ये होता ना वाल ना होता इसमें डायरेक्ट होता तो ये घूमता रहता, सप्लाई होती रहती इधर उधर उधर पे ब्लॉक में जो है ना जाके जाम हो जाता। हाँ सही सही सही, वाल का भी फायदा ही है फिर तो। और ये शुरू में एक आध साल तो काम करता है, उसके बाद में निकाल देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन है भाई इसके अंदर पानी घूमता रहना चाहिए, अब ये जाम हुआ पड़ा तो ट्रैक्टर तो गर्म होगा ही भाई, सही हो जा रहा है सीज, इतना गर्म हो गया पानी जा ही नहीं रहा इसमें, घूम नहीं रहा तो सीज हो जा, हुआ नहीं तो बच गया बस। नहीं तगड़े लोड पर नहीं चल रहा होगा ना तुम्हारा ट्रॉली पे, 70 कम टल लगभग। हाँ उसने भगा रखा था तब हुआ दिक्कत, टेम्परेचर बढ़ गया इसका तो उसने सोचा पानी खत्म हो गया, डर डर में उसने ये खोल दिया। ये हुआ उसका मुंह बच, मुंह बच गया उसका, आया तो नहीं है ना, बच गया उसका मुंह बच गया। अगर इसे खोल भी रहे हैं तो पन्नी पुन्नी लगा कर खोलना है, खोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा खड़ा रहना तो ठंडा हो जाना तो पहले, सही अभी पाइप हटा के यहाँ से निकल जाएगा रेडिएटर भाई, ये आ गया रेडिएटर, लो भैया है देखिए मुँह तो बंद पड़ा था। कहाँ से पानी सप्लाई हो जाएगी इसमें, तो अंदर से सफाई होगा भाई, इंटरनल दिक्कत है इसमें, जाम हो रहा है, जाम है पूरा। जाती आए थे दिखाइयो, चलो ये सब तो चौक हुआ पड़ा है, ऊपर से भी चौक है। हाँ ले देखा तो बोल्ट खुले हैं भाई, सफाई से पहले इनसे बराबर की पत्तियाँ उतार के जैसे उतार रखी खुल कर तब इसकी सफाई होगी। हाँ पहली बार ही है, पहली बार ऐसा कर लिया था ना कभी जा। अरे देख लो छोटी सी, इतना बड़ा काम नहीं होता है, वो ध्यान ना दे तो फिर दे पूरा इंजन हो फिर 40,000 में नहीं है, वैसे तो मेन है वो, लेकिन किसान तो नहीं सोचा कुछ नहीं आया, वो उनके दिमाग में तो यही है वो तो मेन है। ये निकल गया तेरा, बताओ कितना माल जमा पड़ा है। हाँ अब ये यहाँ से कैसा पानी फेंक देगा,
पंप ऐसे ही घूम रहा सुक्का, पानी सप्लाई नहीं हो रहा ना घूम रहा, फिर इंजन सी जी हो गया गर्म हो जा पूरा। हाँ भैया, ओहो ब्लेड तो सफाई हो गया इसके अंदर की, सही कह रहे हो, सादा पानी भी नहीं डालना चाहिए जो सही बात है। इससे पता लग रहा नीचे से बीच का पानी ऊपर को बाल मार रहा है, उसकी माल तो यहाँ जमा हो रहा है इसमें, कितनी गंदगी भरी हुई इसमें, ये सारी गंदगी इस रेडिएटर की भाई। अरे भाई चौक पड़ा है, कितनी गंदगी देख लो, कितने मोटे मोटे पूरा कीचड़ जमा होता है। ये मैं सी का 25 पैसे के ट्राई मार रहा भाई, आवाज़ बहुत बढ़िया निकाल रहा, ट्राई मार का वह मिस्त्री, तेल का कनेक्शन ही से यहाँ से दे रहे साफ पड़ते। ट्रैक्टर देखो कमाने वाला ट्रैक्टर है जो आई शर्मावती कमाने, मैं कह रहा कमाने वाला ट्रैक्टर है जो आई शर्मावती कमानी, मॉडल पुराना होगा जो है, कितना हो सका जो 92-93। अब ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलता, 2 सिलेंडर भाई ये देखो मैसी की, पहले थी 93 थी ये वाली, अब शौक शौक में लोग बाग लगाऊंगे ऐसे, मैसी कब से दे रहा है सूखे ब्रेक को मैं, ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, एंटिक में आ गए ट्रैक्टर भाई, अब कहते मैं कह रहा मगर देखने को नहीं मिलता है अब। हाँ जी भाई साहब, एंटिक में आ गए वो, देखो 2 सिलेंडर है और अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, ऐसे इतना है 2 सिलेंडर में, 2 सिलेंडर मना है, हाँ 2 सिलेंडर में ये नहीं देखा मैंने, बाकी जिस भाई के पास मैसी 25 DI टाइप होगा दिखा है 25 होगा वो, हाँ क्योंकि इसका बोनट तो मैंने देखा नहीं पर लग रहा वही है, 25 हाँ 25 ही होगा सही। कौन सा ट्रैक्टर है, आ जा बैठ जा, कौन सा इधर क्या करवा रहा है, मैं पाइप टूट गई, कौन सा ट्रैक्टर है, यहाँ जगह ना घर है, अच्छा घर है, ये पाइप है डीजल सप्लाई का, तुम नीसू देसवाल भाई के पास भी गए ना, हाँ गया था, ये कितने का दिया उन्होंने, 110 को दिया, खुद फिट कर लगा सकता है, मैं तो घर ही करना हूँ सही। गांव कौन सा, 10,000, ये कितना पड़े यहाँ से, यहाँ से 10 किलोमीटर, अच्छा चलो सही है, पहचान लिया तुमने, कितना चल बढ़िया लगा यार। तो ये भाई ये पाइप लेने आया था मैं ट्रैक्टर पर, रेडिएटर चेंज करवा रहा, भाई ने एकदम पहचान लिया वगैरह तुम वीडियो बनाओ ना, मैं यार बनाऊँ तो वीडियो सबके चैनल, चल अच्छा चल ठीक है, ओके ठीक है ठीक है भाई पहचान ले लो कह रहा, हम तो तुम्हारी वीडियो देखते हैं, अरे एक लड़का तो बहुत शौकीन है तुम्हारी वीडियो का, मैं कहा भाई धन्यवाद। तो भाई 1 लीटर का कूलेंट है ये डाल लूँगा इसमें, और ये आया है इस पे MRP तो डला हुआ 213 रुपये पर 150 रुपये का आया, उसके बाद जो कमी पड़ेगी, 1 लीटर बहुत है इसके लिए मिस्त्री ने 1 लीटर का जो डिस्टिल वाटर आ हुआ है ना वो डालेंगे, जो बैटरी में डला वो पानी, क्योंकि वैसा सादा जो पानी हो वो डालना सही नहीं है, क्योंकि इसमें लोहे के कण प्लस अलग अलग चीज़ें हो, फिल्टर हुआ हुआ पानी डाल लो इसमें, जो बैटरी मेटल है वो कामयाब है इसके लिए, जबकि आपने देखा होगा गांव में क्या करे, जो सादा नलके का पानी वो भर कर डाल दो वो सही नहीं रहता, अगर देखते हैं काम तो करते हैं वो इमरजेंसी में पर सही नहीं रहता, ये ठीक है अपना 150 रुपये का, पर इंजन के लिए और भाई ट्रैक्टर के लिए बेस्ट है ये। तो भाई ये रेडिएटर हो गया एकदम रेडी, एकदम साफ, पहला क्या था अब कैसा हो गया भैया, अब तो बिल्कुल नया जैसा चमक मार रहा है, जैसा नया हो एकदम, पहले कैसा कैसी पीस की हालत और कैसी होगी तो देखो भैया कैसे करेगा, ये रबड़ बांध दी इसका, और रबड़ इधर से बांध रखी इससे पानी बाहर नहीं निकले, और इधर भी लगा दी रबर, ये वाला तो हो जिसमें कूलेंट उठा हुआ है, और ये वाला है जो इंजन में पहुंचा हुआ नीचे की साइड, अब इसमें डाला जाएगा पानी, मतलब रेडिएटर फुल भरा जाएगा, देख रहे हैं इसमें, अच्छा हाँ लीकेज वगैरह हो पता लग जा,
फिट हो रहा है भाई रेडिएटर। अरे कहाँ जावे, अब जब फिट हो जाएगा तब दिखाऊंगा, बाकी फिर टेस्टिंग करेंगे, इसमें कूलेंट डाल लेंगे, जितना भी होगा देखेंगे। और अब होगी इसकी पाइप की फिटिंग, ये वाला यहाँ और ये यहाँ। और अगर आप घर अपने सफाई करना चाह रहे खुद, तो यहाँ से खोल दो इसे, सिर्फ यहाँ से खोल दो तो सारा रेडिएटर का पानी क्लीन हो जाएगा। ऊपर से डाल दे रहो समर का पाइप डाल के चला दो। तो अगर घर ही बिना खुले क्लीन करना तो ये सिंपल सी ट्रिक है, बाकी नहीं तो पूरा खुल के पता ही, आप पूरी वीडियो देख ली होगी कैसे क्या करना है। ये पैकिंग लगाई इसमें, और पैकिंग जरूरी है, फिर से चिपका दो बॉन्ड पे। उसके बाद इसका इसमें कूलेंट डलेगा जब सारा सिस्टम फिट हो जाएगा। ये डल रहा है कूलेंट, एक डब्बा तो बहुत है इसके लिए, इसलिए क्या धक्के से हेल्प मार के भाई। देखो कितना माल खड़ा है, अब सफाई सफाई हो गया आज इसकी, धुलाई कर रहा हूँ, इसके बाद फिर चलेंगे घर। बड़ा सिलेंडर ये रखता क्लीनर, तो बोरी इसकी धुलाई, और धुलाई में भी बिल्कुल ऐसा गंदा गंदा निकल रहा, तो समझे काला काला। ट्रैक्टर की हालत गंभीर हुई पड़ी बिल्कुल। तो भाई ट्रैक्टर हो गया कंप्लीट, अब देखो धुलाई वुलाई करवा कर रेडिएटर में पूरा कूलेंट चेंज करके अब सही चल रहा है, एकदम चलाने में मज़ा आ रहा है ट्रैक्टर में। तो यही है बस कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए हमें, कूलेंट भी बहुत ज़रूरी हो इंजन के लिए, क्योंकि अगर कूलेंट ही नहीं होने का तो इंजन भी हीटअप होगा पूरा ख़राब हो जाएगा।